कंप्यूटर बाबा प्रदेश में गौ माता बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं। गौ माता बचाओ यात्रा डिंडौरी पहुंची तो कंप्यूटर बाबा ने मां नर्मदा की पूजा अर्चना की और शिवराज सरकार पर निशाना साधा। मध्य प्रदेश में कंप्यूटर बाबा की गौ माता बचाओ यात्रा को जन समर्थन मिल रहा है। यात्रा जब डिंडौरी पहुंची तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और आम जन ने कंप्यूटर बाबा का फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। इस दौरान कंप्यूटर बाबा ने देवघाट में मां नर्मदा की पूजा की और शिवराज सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा सरकार के शासन में गौ माता सड़क पर मरने को मजबूर है। गौ माता भूखी प्यासी तड़प रही है। कमलनाथ सरकार ने हजारों गौशाला खुलवाई थी जिसे शिवराज सरकार ने बंद करवा दिया। बहुत दुख की बात है कि गौ माता के लिए प्रदेश सरकार ने कोई योजना नहीं बनाई। गौ माता बचाओ यात्रा हम सब संत समाज निकाल रहे हैं। जैसा कि वर्तमान सरकार शिवराज सरकार जो है सनातन धर्म का डिंडोरा पीटते पीटते और जब भी चुनाव आते हैं तो सनातन धर्म की बात करते हैं। आज स्थिति यह है मध्य प्रदेश की सड़कों में गौ माता मरने को मजबूर है, तड़प तड़प के मर रही है। ऐसी स्थिति में हम संत समाज ने कहा और सोचा कि क्यों ना जब गौ माता सड़क पर हैं तो साधु संत भी सड़क पर रहेंगे। पिछली सरकार कमलनाथ सरकार ने हजारों गौशालाएं बनवाई, हजारों गौशालाएं प्रस्तावित हैं, किंतु राजनीति के कारण शिवराज सरकार ने सारी गौशालाएं बंद कर दी, चारा पानी देना बंद कर दिया। इसलिए सारी गौ माता जो हैं आज रोडों में तड़प तड़प को मरने को मजबूर हो गई। हम लोगों ने सबने रास्ता देखी कि अब गौ माता की कोई योजना आएगी, अब गौ माता की योजना आएगी। चप्पल जूता की योजना आ गई, छत्ता की योजना आ गई, साड़ी की योजना आ गई, डब्बा की योजना आ गई, पर गौ माता की योजना नहीं आई। इसलिए बड़ा दुख है। तो आज हम सबको मजबूरन यहाँ गौ माता के बचाने के लिए हम लोग निकले हुए हैं। हाँ, हमें हम सबको लगता है कि गौ माता यदि वोट देती तो जरूर जो कोई ना कोई योजना लाते, क्योंकि गौ माता वोट नहीं दे रही है इसीलिए कोई योजना इन्हें लागू नहीं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।